हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप देख रहे हैं आदित्य रॉयल के चैनल पर। अगर आदित्य रॉयल के चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी बनी है। तो चलो फिर, काइन मास्टर मैंने ओपन कर लिया है, थोड़ा अपलोड हो रहा है, हो गया। इसको स्किप करेंगे हम। जहाँ से आप कोई प्लस वाला आइकन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ से आपके वीडियो की कैटेगरी चूज़ करनी हो कि आप किस रोड पे वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए या टिकटॉक के लिए। तो मैं जैसे टिकटॉक के लिए आपको बताने वाला हूँ, तो आपको टिकटॉक का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो आप इसे इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देना है। उसके बाद आप अपनी एक वीडियो ले लेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये वीडियो ले लिए है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप इसका जैसे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। लेयर का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, मीडिया पे आपको क्लिक करना होगा। मीडिया पे क्लिक करके आपको इमेज असिस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, तो मैं कर देता हूँ, मैंने कर दिया है। आपको यहाँ से बैकग्राउंड ले लेना होगा, आपको जैसा बैकग्राउंड लगाना हो आप यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लें और इसको आप जहाँ तक लगाना चाहते हैं वहाँ तक खींच खींच के पूरे में कर दें। उसके बाद इसको भी पूरे में कर दें। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा, क्लिक कर देना होगा, मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ से या इसको फुल स्क्रीन कर लेना होगा आपको। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ सही का निशान आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। फिर आपको इसी कलर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना होगा। स्क्रॉल करने के बाद ब्लेंडिंग का ऑप्शन आता है एक, आपको उस पर क्लिक करना होगा। मैं दिखाऊँगा आपको, ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो आप इस पर क्लिक कर दें, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस पर क्लिक करके वो अब यहाँ आ रहा होगा ऑप्शन, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए होंगे। आपके सामने वो अरले लेक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको उस पर दूसरे नंबर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप अपने कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको पहले, सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको जिस कलर का रखना चाहें आप इसको कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद आप यहां से इसको एडजस्ट करें, वहीं पे चले जाना है आपको। यहां यहीं पे आ करके इसको एडजस्ट कर लेना है। आप इसका किस कलर रखना चाहते हैं आप इसे देख सकते हैं। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे, जिसमें भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मैं इसको इसमें रखूंगा क्योंकि ये इसी में मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसको एक बार पहले से ही बैकग्राउंड दे रखा था, इसलिए आप देख सकते हैं। तो इसका कितना अच्छा रेडिंग आ रहा है, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से, आप जहाँ से इसको स्लो मोशन करना चाहें, जैसे कि मैं इसको यहाँ से स्लो करना चाहता हूँ, तो आप इस पे वीडियो पे क्लिक कर टच करेंगे। यहाँ ऊपर कैची का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ कैची का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करूँगा इस पर, स्पीड स्पेस स्पीड स्पेटस लिखा आ रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये वीडियो कट चुका है, अब आपको इस वीडियो पे क्लिक, उसके बाद आपको यहाँ स्पीड लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्पीड लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप इसको स्लो करना चाहते हैं या स्पीड में करना चाहते हैं, मैं स्पीड में करूँगा, तो मैं स्पीड दे रहा हूँ इसको, मैंने इतनी स्पीड दे दी है। मैं इसको, ये सही का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं इस पर सही कर दूँगा।
मैं इस पे सही टिक कर दे रहा हूँ। मैंने इस पे एक बार पहले से कलर दे रखा था, फ़ोन से वीडियो शूट किया था, इसलिए इतना वीडियो क्वालिटी का नहीं आया है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा और भी। आप यहाँ से इसको फिल्टर भी दे सकते हैं, आप जो फिल्टर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। आप देखिए ये फिल्टर दे सकते हैं, या फिर ये फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया। आप यहाँ से कोई भी फिल्टर दे सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, या फिर और भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। आप यहाँ से चाहें तो इसको दूसरा कलर भी दे सकते हैं, आप जैसा कलर चाहें जितने चाहें उतने लगा सकते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी देर पे कलर चेंज होता रहेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप इसको यहाँ से स्किप टू लाइट कर दें, कर दिया है मैंने। यहाँ इसका कलर चेंज कर दूँगा मैं, इसका कलर मैं रेड कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कलर में हो गया है। आप इसको एडजस्ट कर लें, आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। मैं इसको यहाँ से सेव कर लूँगा, आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव लिखा हुआ आ रहा होगा, तो मैं यहाँ से आप